सभी हाथ जोड़ लें, नेत्र बंद कर लें, उगते हुए सूर्य का ध्यान कीजिए, शंखनाद के साथ उस दिन को याद कीजिए कि आज से 50 साल पहले गुरुदेव के चरण यहाँ पर जहाँ जहाँ भी हैं उनको हम नमन कर रहे हैं। अपने मन को उनके साथ जोड़ने का प्रयास करें। एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही तक मिलो ना तुम जीवन में शांति कहाँ मिल सकती मन में, जब तक मिलो ना तुम जीवन में शांति कहाँ मिल सकती मन में, ओज फिरा संसार सदगुरु एक तुम्हीं आधार, खोज फिरा संसार सदगुरु एक तुम्हीं आधार, एक तुम्हीं आधार सदगुरु एक भी हो तैरन हारा मिले ना जब तक शरण सहारा, कैसा भी हो तैरन हारा मिले ना जब तक शरण सहारा, हो न सका उस पार सदगुरु एक तुम्हीं आधार, हो न सका उस पार सदगुरु एक तुम्हीं आधार, एक तुम्हीं आधार सदगुरु एक
तुम्हारे अब उद्धार करो दुख हारे। सुन लो दास पुकार सदगुरु एक तुम्हें आधार। सुन लो दास पुकार सदगुरु एक तुम्हें आधार। एक तुम्हें आधार सदगुरु एक तुम्हें आधार। एक तुम्हें आधार सदगुरु एक तुम्हें आधार। हे प्रभु तुम ही विविध रूपों में हमें बचाते भव कूपों से। हे प्रभु तुम ही विविध रूपों में हमें बचाते भव कूपों से। ऐसे परम उदार सदगुरु एक तुम्हें आधार। ऐसे परम उदार सदगुरु एक तुम्हें आधार। एक तुम्हें आधार सदगुरु एक तुम्हें आधार। एक तुम्हें आधार सदगुरु एक तुम्हें आधार। सदगुरु एक तुम्हें आधार। सदगुरु एक तुम्हें आधार। सदगुरु एक तुम्हें आधार। गुरु सत्ता के चरणों में नमन वंदन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु ईश वंदना। इस महान यज्ञ के संरक्षक युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को नमन करते हुए उनकी अभिन्न पूरक शक्ति स्वरूपा स्नेह सलीला माता भगवती देवी शर्मा के चरणों की वंदना करते हुए सभी देव शक्तियों ऋषि सत्ताओं से इस यज्ञ भूमि एवं यज्ञ प्रक्रिया के संयोजन संरक्षण की प्रार्थना के साथ मनुष्य मात्र के लिए उज्ज्वल भविष्य की संरचना के संकल्प सहित हम यज्ञ आरंभ कर रहे हैं। सभी याजक साधक अपनी भावनाओं को वंदना के साथ जोड़े रहें। लौकिक मंत्र गेय स्वर विलंबित गति। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वन्द्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावात्
अतीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिः गौरीतुष्टिः प्रभाधृतिः एताभिः पाहि तनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः वेदवेदान्तवेदाङ्ग विद्यास्थानेभ्यरेव च मातस्त्वदीयपदपङ्कजभक्तियुक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलान्परान् विहाय ते निर्जन त्वमिहयान्ति कलेवरेण भुवन्वायुगगनाम्बुविनिर्मितेन व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे तो ज्ञानमय प्रदीप सर्वालितो ज्ञानमय प्रदीप मंगलाचरणम यज्ञादि कार्य सभी के कल्याणार्थ किए जाते हैं। उनके आरंभ में मंगलाचरण मंत्र बोलकर अपनी मंगलमय भावना का उद्घोष करके दिव्य शक्तियों को उसके लिए आकर्षित आमंत्रित किया जाता है। उन्हें वचन दिया जाता है कि हम अपने भावों विचारों एवं आचरणों को मंगलमय ही बनाए रखेंगे। मंत्र पाठ के साथ सभी पूजा वेदियों पर पुष्प एवं अक्षतों की वर्षा करें। अपने मंगलमय आचरण का संकल्प व्यक्त करते हुए देव शक्तियों को सहयोग के लिए शंख निनाद के साथ आमंत्रित करें। सन्न प्रायो रक्षितारो दिवे पवित्रीकरणम् बाएं हाथ में जल लें, दाहिने हाथ से उसे ढकें। मंत्र पाठ के साथ दिव्य पवित्र धाराओं को अपने शरीर मन एवं अंतःकरण में संचरित होने के लिए भाव भरा आमंत्रण दें। मंत्र पूरा होने पर अभिमंत्रित जल अपने ऊपर छिड़क लें। लौकिक मंत्र मध्यम स्वर विलंबित गति अपवित्र अपवित्र
त्रोवा सर्वावस्थान गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरः शुचिः ॐ पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु आचमनम्। तीन मंत्रों के साथ तीन आचमन करें। भावना करें कि मंत्र पूरी जल का पान करके स्थूल सूक्ष्म एवं कारण शरीरों तक दिव्य शक्ति का संचार कर रहे हैं। प्रत्येक मंत्र में स्वाहा के साथ एक आचमनी जल मुख में डालें। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर विलंबित गति। ॐ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॐ अमृतापिधानमसि स्वाहा ॐ सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीश्रयतां स्वाहा। शिखावंदनम्। बाएं हाथ में जल लें, दाएं हाथ की पांचों उंगलियां मिलाकर उसमें भिगोएं। मंत्र के साथ उंगलियों से शिखा मूल का स्पर्श करें। भावना करें कि दैवी चेतना का प्रवाह मस्तिष्क में होता हुआ हमें तेजस्वी बना रहा है। लौकिक मंत्र धैवत मध्यम स्वर विलंबित गति। चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। प्राणायामः। प्राण का प्रवाह दिव्य प्रवाह हमारे चार ओर लहरा रहा है। उसमें से जो जितना प्राण धारण कर पाते हैं उतने ही प्राणवान बन जाते हैं। प्राण के प्रवाह को अपने अंदर ले जाने तथा स्थापित करने की प्रक्रिया को प्राणायाम कहा जाता है। इस दिव्य पवित्र यज्ञ कार्य के अनुरूप प्रखर प्राण को अपने अंदर ले जाने जागृत करने की भाव के साथ प्राणायाम करें। कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथ गोद में रखें, आंखें बंद रखें, गहरी श्वास खींचें, अंदर रुकें और थोड़े देर बिना श्वास के रहें। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर विलंबित गति। न्यास का भाव है धारण या स्थापन। दिव्य कार्यों के लिए अपने अंग अवयवों में दिव्य चेतना स्थापित करने के लिए न्यास का विधान है। बाएं हाथ में जल लें, दाएं हाथ की पांचों उंगलियां मिलाकर के जल में भिगोएं। मंत्र के साथ जिन अंगों का निर्देश हो उन्हें पहले बाईं ओर फिर दाईं ओर स्पर्श करते रहें। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर विलंबित गति। ॐ वांग में आशिस्तु मुख को, ॐ नसोर में प्राणोस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ॐ अक्षोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ॐ कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ॐ बाहवोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ॐ पूर्वोर में ओजोस्तु दोनों जंघाओं को, ॐ अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु संपूर्ण
शरीर को पृथ्वी पूजनम। धरती हम सबकी माता है, ऋषि भूमि देव भूमि के सच्चे सपूतों जैसा जीवन जीने की सामर्थ्य पृथ्वी माता हमें प्रदान करे। इस भाव से मंत्र के साथ एक आचमनी जल धरती माता पर अर्पित कर श्रद्धा पूर्वक धरती माता को प्रणाम करें। वैदिक मंत्र धैवत मध्यम स्वर विलंबित गति। ओम पृथ्वी पराधृता लोका देवी त्वं विष्णुनाधृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। संकल्पः। भाइयों बहनों, कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प किए जाते हैं। ये संकल्प महाकाल का है, दैवी योजना है, युग निर्माण योजना, और उसमें हम सब सहभागी हैं। भगवान हमको आपको श्रेय और सौभाग्य दे रहा है। संकल्प है मानव में देवत्व का जागरण और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। हर व्यक्ति के अंदर सद्गुण जगे, ये महान संकल्प है जिसमें सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन करना है, दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन करना है, आत्मकल्याण लोक कल्याण करना है, वातावरण का परिष्कार करना है और उज्ज्वल भविष्य के लिए जो अपनी ये सनातन संस्कृति है इसको जन जन में स्थापित करने के लिए ये देव भाव को हमको जगाने की आवश्यकता है। निवेदन है जितने परिजन साधक भाई बहन यज्ञशाला में बैठे हैं उनसे निवेदन है दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प और जल ले लें। संकल्प मन का होता है, मन जितना मजबूत होता है उतना ही कार्य योजना अच्छे से बनती है और चरितार्थ होती है। निवेदन है जल अक्षत और फूल। जल जो है हमारी श्रद्धा का प्रतीक है, अक्षत हमारी साधन संपदा अटूट निष्ठा का, और जो पुष्प है वो हमारी हंसती हंसाती जिंदगी का। इसको सबको हम देव कार्य में लगाते रहेंगे। इस भाव से ये संकल्प जहाँ से दोहराने के लिए कहा जाए वहाँ से आप दोहराएंगे, जहाँ बताया जाए गोत्र का नाम वहाँ अपने गोत्र का नाम ले लेंगे। गोत्र का नाम मान लीजिए नहीं स्मरण है तो परम पूज्य गुरुदेव का गोत्र भारद्वाज गोत्र है, गुरु परंपरा से भी गोत्र होता है, तो आप उसका स्मरण कर लेंगे, नाम ले लेंगे, अपना नाम ले लेंगे और जहाँ से बताया जाए वहाँ से दोहराते चलेंगे, उनके भावों को हृदयंगम करते रहेंगे। कमर सीधी कर लें, हाथ में अक्षत पुष्प और जल ले लें, मन को बिल्कुल शांत करें। दृढ़ संकल्प, दैवी योजना के संकल्प में हमारा संकल्प जुड़ रहा है। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत बारह कल्पे वैवस्वंतरे वैवस्वत मन्वंतरे भूरलोके जम्बूदीपे भारतवर्षे आर्यावर्तैक देशांतर्गते निमाड़ क्षेत्रे 108 कुंडिये गायत्री महायज्ञ पुण्य स्थले पावन रेवा नर्मदा नदी तटे पावन भिलट बाबा नंगलवाड़ी उत्तर दिशे पावन सतपुड़ा पर्वत उत्तर दिशे 2079 विक्रम संवत्सरे फागुन मासे शुक्ल पक्षे एकादश्याम तिथौ बृहस्पत वासार वासरान्वितायाम। अब यहाँ से आप लोग अपने गोत्र का नाम, गोत्र का नाम आपको स्मरण होगा, नहीं तो भारद्वाज गोत्र मन में बोल सकते हैं हम किस ऋषि की संतान है, हमको स्मरण होना चाहिए। गोत्रोत्पन्न, अब अपना अपना नाम मन में दोहराएं, बोलेंगे यहां से दोहराएंगे, जोर से थोड़ा सा बोलना है। नामाहम नामाहम
इह जन्मने इह जन्मने जन्मांतरेवा जन्मांतरेवा मम मम सपरिवारस्य सपरिवारस्य आध्यात्मिक आध्यात्मिक आधिदैविक आधिदैविक आधिभौतिक आधिभौतिक त्रिविध ताप त्रिविध ताप त्रिविध उपद्रवैः उपद्रवैः परिपीडितानां परिपीडितानां सर्वेषां सर्वेषां सर्वविध सर्वविध कल्याणपुरस्सरं कल्याणपुरस्सरं विश्वस्मिन् जगति विश्वस्मिन् जगति सर्वविध सर्वविध शान्त्यर्थं शान्त्यर्थं आयुः आयुः आरोग्य आरोग्य ऐश्वर्यादिभिः ऐश्वर्यादिभिः वृद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं उज्ज्वल भविष्य उज्ज्वल भविष्य उपलम्भनार्थं उपलम्भनार्थं देव संस्कृति देव संस्कृति दिग्विजयाभियाने दिग्विजयाभियाने अस्मिन् राष्ट्रे सांस्कृतिक सांस्कृतिक एकात्मतायाः एकात्मतायाः स्थापनार्थं स्थापनार्थं ऋत्विजां ऋत्विजां यजमानानां यजमानानां याजकानां याजकानां दायित्व दायित्व संपादनार्थं संपादनार्थं संकल्पं संकल्पं अहम् अहम् करिष्ये करिष्ये ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मस्तिष्क से माथे से स्पर्श कराएं और पूजा प्लेट या पूजा बेदी जो है उस पर वहां अर्पित कर देंगे समर्पित कर देंगे। आचार्य वरणम्। वेद के अनुसार यह सृष्टि यज्ञ से ही उपजी और उसी अनुशासन में चल रही है। इसके हर चरण में यज्ञ का समावेश है। यज्ञ के सूक्ष्म तंत्र से संपर्क बनाकर सृष्टि को प्रकृति को वांछित दिशा दी जा सकती है। इस विद्या के जानकारों विशेषज्ञों को ही यज्ञ का आचार्य वर्ण करने का विधान है। त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं के भाव से हम उनसे ही यज्ञ के आचार्य पद को संभालने की भाव भरी प्रार्थना करते हैं। वर्ण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए वरण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए प्रभु चरणों में झुक कर प्रार्थना यह ले के आए सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा पधारे शक्ति शिव बन कर सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा पधारे शक्ति शिव बन कर पधारे शक्ति शिव बन कर तुम्हारे अंश नन्हे दीप हम
पलकें बिछाए हैं तुम्हारे अंश नंदन है देव हम पलकें बिछाए हैं वरण आ जाए करने की तुम्हें आशा लगाए प्रभो आचार्य आसन पर विराजे कर कृपा हम पर प्रभो आचार्य आसन पर विराजे कर कृपा हम पर विराजे कर कृपा हम तार संरक्षक न दूजा ढूंढ पाए कर प्रार्थना यह ले के आए हैं प्रभु चरणों में झुक कर प्रार्थना यह ले के आए हैं वरण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए देव मंच पर आचार्य वरण के लिए नियुक्त यजमान कलावा समर्पित करें। वैदिक मंत्र गांधार स्वर विलंबित गति ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम् दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। नियुक्त यजमान आचार्य पूजन करें, तिलक के साथ वस्त्रोपहार समर्पित करें। वैदिक मंत्र गांधार स्वर विलंबित गति ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब मंचासीन व्यवस्था मंडल के भाई इसी के साथ तिलक और माल्यार्पण करके ऋत्विक वर्ण करें। परम सौभाग्य है हमारे यज्ञ आचार्य युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार से विश्वव्यापी ईश्वरी योजना को ऋषि संकल्पों को और क्षेत्र के युग साधकों के पुरुषार्थ को राष्ट्र निर्माण युग निर्माण संस्कृति संस्कार और प्रकृति के संतुलन के लिए सतत क्रियाशील है
अभी आप सब लोगों का ध्यान मंच के आचार्यों की तरफ रहे, परस्पर कोई बात न करें, अपने हाथ जोड़ करके रखें। ब्राह्मणों का वर्ण किया जाता है, ब्राह्मण वो शब्द है जो ब्रह्मा से मिलाता है, ब्राह्मण वो शब्द है जिससे देव संस्कृति पुष्ट होकर यज्ञ की, ज्ञान की, दान की, तप और स्वाध्याय की सतत प्रेरणा जगाता है, उन्हें ब्राह्मण कहा गया वेदों में। युग ऋषि ऐसे ब्राह्मण थे जिन्होंने ब्राह्मणत्व को सिद्ध किया, संपूर्ण विश्व के प्रत्येक मनुष्य में ब्राह्मणत्व के जागरण का अभियान चलाया और उसी अभियान का संदेश लेकर ऋषि पुत्रों की, मंगलमयी आचार्य वृंदों की इस यज्ञ संचालन के लिए अखंड दीपक, अखंड अग्नि, सजल श्रद्धा, प्रखर प्रज्ञा, दिव्य संरक्षण प्रदान करने के लिए उनके प्रतिनिधि के रूप में परम श्रद्धे द्वय ने आप आचार्यों को वहां से रुद्राक्ष की माला पहना करके इस भाव से भेजा था। युग सृजन के देवता महादेव हैं, इनको आपके कंठों में रखना, कोटि कोटि कंठों से, वेद मंत्रों से कल्याण मार्ग पर राष्ट्र की सज्जन शक्ति को सृजन कार्य के लिए नियोजित करना, यह हमारा यज्ञ माँ रेवा ताप्ती के मध्य सतपुड़ा के पठार पर नवग्रह तोरणमाल के सिद्ध क्षेत्र में गौ पुष्टि, भूमि पुष्टि, जन जन के संस्कार जागरण के लिए समर्पित किया जाता है। सर्वश्री इस टोली के प्रमुख टोली नायक कहें, बड़े अग्रज भाई कहें, विगत 40 वर्षों से जो दक्षिण झोन को तो देखते ही हैं, शांति कुंज के विविध गतिविधियों में अपने मुख्य भूमिका निभाते हैं, आदरणीय पंडित परमानंद जी द्विवेदी जी टोली नायक हैं, आपको मंगल तिलक और इस आयोजन का भार दायित्व देने के लिए आपके मस्तिष्क मंडल पर साफा पहनाएंगे। उपजोन प्रभारी तीनों को साफा पहनाएंगे, आदरणीय पन्नालाल जी। आप सब फूल खिलाइए हमारे आचार्यों के मंगल दायित्व हो रहे हैं। पगड़ी जभी बांधी जाती है जब हम किसी को कोई दायित्व देते हैं, तो आज आप लोगों को आचार्य पद का दायित्व हमारे गुरुदेव माता जी ने जो सौंपा है उनका हम बहुमान कर रहे हैं। दूसरा सम्मान सहस्त्र टोली नायक परम सम्मानीय आदरणीय दिनेश जी पटेल साहेब टोली नायक, ये होता है इनकी व्याख्या और इनकी प्रेरणाएं आप सबके जीवन को, यज्ञ के व्यवहारिक पक्ष को देगी। मंगल सिंह जी गढ़वाल जी, जिनका बहुमान तिलक संपन्न हो रहा है, परम सम्मानीय परम सम्मानीय तिलोक चंद जी साहू साहब, जिनका मंगल तिलक और सम्मान हो रहा है। आइए आदरणीय ओंकार काका जी पाटीदार जी का बहुमान, सब लोग फूल खिलाएं, संगीत आचार्यों का सम्मान हो रहा है।
इनको वर्ण सूत्र, मंगल तिलक और साफा बांध करके सातवें आचार्य सम्माननीय मायाचंद जी भारद्वाज जी, आपके व्यक्तित्व ने गंगा जैसा शीतलता, सागर जैसी गहराई को मिशन में संगीत को स्वर दिए हैं। आइए ओम कुशवाहा जी जो संगीत पर बैठे हुए हैं, आदरणीय बसंत जी यादव जी का शांति कुंज के पूर्णकालिक लोक सेवी जीवनदानी, जिनके तबले देश विदेश में सुन करके लोग मंत्रमुग्ध होते हैं। अब हमारे ईएमडी के अरुणेंद्र सिंह जी जो मंच पर आ जाएं, अजीत जी और आदरणीय नरेंद्र जी पाटीदार जी, आप तीनों भाई लाइन से मंच पर आ जाएं। और गायत्री धाम के आदरणीय पंकज जी, ईएमडी विभाग के आप डोली के हमारे आदरणीय पंकज जी पाटीदार जी, ये ईएमडी विभाग के सभी कुशल संचार क्रांति के समयदानी जीवनदानियों का मंगल तिलक। यजमान वरणम, स्वयं सेवक आचार्य श्री के प्रतिनिधि के रूप में सभी याजकों के हाथ में कलावा बांधें, पुरुष एवं कन्याएं दाएं हाथ में, महिलाएं बाएं हाथ में रक्षा सूत्र बंधवाएं, जिस हाथ में कलावा बंधवाएं उस हाथ की मुट्ठी बांध कर रखें, दूसरा हाथ सिर पर रखें। वैदिक मंत्र पंचम स्वर मध्यम गति, ओमक्षायणा हिरण्यध्वंशतानीकाय सुमनस्य मानाः तन्म आबध्नामि शतशारदाय आयुष्मांजरदस्तिर्यथा सम्मा। मस्तिष्क देव कार्य के अनुरूप शांत जागरूक एवं विवेक युक्त रहे, इस भाव से तिलक धारण करें। लौकिक मंत्र धैवत मध्यम स्वर विलंबित गति, ओम गंधद्वारां दुराधर्षां नित्य पुष्टां करेष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां कामिहोपहवेश्रियम्। कलशस्थापनम पूजनम, वेद ने इस विश्व को एक दिव्य घट कलश रूप कहा है। आत्म चेतना को धारण करने वाले हर शरीर को भी घट रूप कहा गया है, इसलिए परमात्मा को घट घट वासी कहा जाता है। घट की प्रतिष्ठा तभी बढ़ती है जब वह छिद्र रहित हो तथा उसमें हीन तत्व न हो, श्रेष्ठ तत्व स्थापित हो। निर्दोष जीवन की कामना करते हुए दोनों हाथ जोड़कर अक्षत पुष्प लेकर वरुण देवता का आवाहन पूजन करें। वैदिक मंत्र पंचम स्वर मध्यम गति, तत्रायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानोऽहविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुषग्वं समान आयुः प्रमोषीः। ॐ मनोज्योतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टम् यज्ञध्वंसमिमं दधातु विश्वे देवास इह मादयं कामो प्रतिष्ठ। ॐ वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि
ध्यायामि जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि दीप पूजनम। कलश के साथ ही दीपक के स्थापन पूजन का विधान है। दीप पूजन के साथ भावना करें, हे सर्व प्रेरक सविता देव, हे सर्वव्यापी परमात्मन, हमें आपकी दिव्य ज्योति से ज्योति जगाने का प्रकाश मिलता रहे। हमें ज्योतित करें और ज्योति जगाने की सामर्थ्य प्रदान करें। निर्धारित यजमान मंत्र के साथ देव मंच पर स्थापित दीपक का भाव भरा पूजन करें। सभी लोग भावना पूर्वक हाथ जोड़े रहें। वैदिक मंत्र पंचम स्वर मध्यम गति। ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ॐ ज्योतिपुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। देवावाहनम्। परमात्मा की विभिन्न धाराओं देव शक्तियों का आवाहन करते हैं। विश यज्ञीय पुण्य प्रयोजन की पूर्ति हेतु पधारें। हमें सही दिशा प्रेरणा तथा समुचित शक्ति अनुदान देकर कृतकृत्य करें। सर्वप्रथम गुरु सत्ता का आवाहन करते हैं, उसके पूर्व आई हम सब भक्ति भाव के साथ उनकी अभिवंदना करें। तुम्हारे पद्म चरणों में नमन सौ बार है गुरुवर, नमन सौ बार है गुरुवर। तुम्हारे पद्म चरणों में नमन सौ बार है गुरुवर, नमन सौ बार है गुरुवर। कृपा की पासे आपकी नद में सुपावन नीर बन जाता। पासे आपकी नद में सुपावन नीर बन जाता। कृपा पाके मरुस्थल भी कि गंगा बहुत आभार है गुरुवर,
लौकिक मंत्र गे स्वर विलंबित गति। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमोऽस्तु गुरवे तस्मै गायत्रीरूपिणे सदा यस्य वाग्मृतं हन्ति विषं संसारसंयतं मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ असंभवं संभवकर्तुमुद्यतं प्रचण्ड झण्डाभिविरोधसक्षमम् युगस्य निर्माणकृते समुद्यतम् परं महाकालमुं नमाम्यहम् परं महाकालमुं नमाम्यहम्। इस प्रकार गुरु आवाहन के बाद हम उन्हीं के शक्ति के रूप में वेद माता देव माता विश्व माता भगवती गायत्री का आवाहन करते हैं। इसके पूर्व उनकी भी वंदना कर प्रार्थना करते हैं। मातेश्वरी मनुष्य में देवत्व के उदय एवं धरती पर स्वर्ग के अवतरण के महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु आप इस देवग्राम घेगांव में पधार कर सभी साधकों का कल्याण करें। वेद माता देव माता वेद माता देव माता विश्व माता को नमन। वेद माता देव माता विश्व माता वेद माता देव माता विश्व माता को नमन। वेद माता देव माता विश्व माता को नमन। वेद माता देव माता विश्व माता को नमन। वेद माता देव माता विश्व माता को नमन।
साधना में ढल सके हम तुम्हारे पुत्र बन कर साधना में ढल सके और बन युग दूत तेरे मार्ग पर भी चल सके और बन युग दूत तेरे मार्ग पर भी चल सके ओ तुम ही युग शक्ति अम्बे हो तुम्ही युग शक्ति हमने पाप का कर दो दहन वेद माता देव माता विश्व माता को नमन वेद माता देव माता माता को नमन विश्व माता को हे माँ हे माँ हे माँ हे तदुपरांत वेद माता देव माता विश्व माता सद्बुद्धि एवं सद्विवेक प्रदान करने वाली आदिशक्ति जगत जननी माँ गायत्री का आवाहन करें लौकिक मंत्र गेय स्वर विलंबित गति ओम आया तुवर दे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोनि नमोऽस्तु ते ॐ श्री गायत्र्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि तो नमस्कारं करोमि ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि विजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवचसं मह्यं दत् रजत ब्रह्मलोकम् तत्ववेदी पूजनम् सभी पदार्थ पंच तत्वों से बने हैं यज्ञ क्षेत्र एवं याजकों में वर्तमान पांच तत्वों की दिव्यता को जागृत करने के लिए यज्ञशाला के चारों कोनों पर एक एक तथा देव मंच के सामने इस प्रकार पांच तत्ववेदी स्थापित की गई हैं पूजन द्वारा उनमें दिव्य धारा को जागृत करके यज्ञ में प्रयुक्त पदार्थों को यज्ञानुकूल संस्कार युक्त बनाया जा रहा है प्रत्येक वेदी पर नियुक्त यजमान सावधान रहें जिस वेदिका के पूजन का मंत्र बोला जाए नियुक्त यजमान हाथ में पुष्पाक्षत लेकर के खड़े हो जाएंगे और उन तत्वों का ध्यान करते हुए मंत्र के साथ में अक्षत पुष्प अर्पित करें सर्वप्रथम आग्नेय कोण में अग्नि तत्व का पूजन करें अग्निदेव यज्ञार्थ हमें तेजस्विता और ऊंचा उठने की शक्ति प्रदान करें लाल रंग की जो तत्ववेदी है वहां पर ये पूजन करेंगे वैदिक मंत्र पंचम स्वर मध्यम गति ओम नमः
अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अवयासि सिष्ठाः यजिष्ठो वहनितमः शोशुचानो विश्वाद्वेषाग्वंसि प्रमुमोद्यस्मत ॐ अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पृथ्वी तत्व आवाहनम् नैऋत्य कोण में दक्षिण और पश्चिम के कोने में पृथ्वी तत्व का पूजन करें। पृथ्वी तत्व की दिव्यता हमें सहनशील एवं उदार प्रदान करें। वैदिक मंत्र षड़ स्वर विलंबित गति ॐ महीद्यौः पृथ्वी च न इमं यज्ञं मिमिक्षताम् पिप्रीताम् नो भरीमभिः ॐ पृथिव्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि वायुतत्त्व आवाहनम् वायव्य कोण पश्चिम का उत्तर कोना में वायु तत्व का पूजन करें। वायु तत्व की दिव्यता जागृत होकर हमें प्राणवान एवं गतिवान बनाए। वैदिक मंत्र पंचम स्वर मध्यम गति ॐ आनोनयोद्धे शतिनिभिरध्वरग्वं सहस्रिणीभिरुपयाहि यज्ञम् वायो अस्मिन् सवने मादयस्व यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॐ वायवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब अगले क्रम में काले रंग की वरुण तत्व वेदिका का पूजन होगा। यजमान सावधान हो जाएं। वरुण तत्व आवाहनम् ईशान कोण में जल तत्व का पूजन करें। जल तत्व का देवत्व जागे वह सबको दिव्य रस और तुष्टि प्रदान करे। वैदिक मंत्र पंचम स्वर मध्यम गति ॐ तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्यरुषग्वं समान आयुः प्रमोषिः ॐ वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब सर्वतोभद्र मंडल के यजमान सावधान हो जाएंगे। वहां पर आकाश तत्व सफेद रंग का पूजन किया जाएगा। आकाश तत्व आवाहनम् सर्वतोभद्र के मध्य आकाश तत्व का पूजन करें। आकाश में स्थित दिव्य प्रवाह हमें हृदय की विशालता और महानता प्रदान करें। वैदिक मंत्र ऋषभ स्वर विलंबित गति ॐ यावाङ्कषा मधुमत्यश्विना सूनृतावती तया यज्ञं मिमिक्षतम् उपयाम गृहीतोष्यश्विभ्यां वैशते यो निर्माद्भिभ्यां त्वा ॐ आकाशाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। सप्तर्षि आवाहनम् सर्वप्रथम क्रियाओं को दिव्य भावनाओं दिव्य शक्तियों के साथ युक्त करने वाले कर्मकांड का विकास करने वाले यज्ञ प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाने वाले
सभी ऋषियों के प्रिय पात्र महर्षि गौतम का हम आवाहन करते हैं, ये यज्ञ कर्म कांड को त्रुटिहीन बनाए। लौकिक मंत्र गेय स्वर विलंबित गति बौद्ध कर्म के संप्रदाय का जिनने किया प्रवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन, ऋषि प्रिय थे जो रहे न निष्ठी गौतम ऋषि को आज नमन, ऋषि प्रिय थे जो रहे न निष्ठी गौतम ऋषि को आज नमन। ॐ गौतमः सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियः श्रोतानां कर्मणां चैव संप्रदाय प्रवर्तकः। ॐ गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ऋषि भरद्वाज आवाहनम्। ज्ञान के अगाध भंडार अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया के विस्तारक महर्षि भरद्वाज का आह्वान है। वे हमें पुनः देव संस्कृति के कल्याणकारी सूत्रों के अध्ययन अध्यापन की क्षमता प्रदान करें। लौकिक मंत्र गेय स्वर विलंबित गति। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भरद्वाज का है वंदन, अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भरद्वाज का है वंदन। ऋषिवर यह भाव भरा आमंत्रण है स्वीकार करें, हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें, हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भरद्वाज नमस्ते स्तु सदाध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञेऽस्मिन् पूजेयं प्रतिगृह्यता। ॐ भरद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र आवाहनम्। अग्नि के समान तेजस्वी तपोनिष्ठ गायत्री महाविद्या के शोधकर्ता ब्रह्मऋषि विश्वामित्र का यज्ञ स्थल पर हम आवाहन करते हैं। वे विश्व मानव के प्रति हमारे अंदर मित्र भाव संचरित करें। गायत्री महाशक्ति को विश्व माता के रूप में स्थापित करें। धरती पर स्वर्ग के सृजन की भूमिका निभाएं। लौकिक मंत्र गेय स्वर विलंबित गति। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिष्ठापना करके जग की पूर्ति बने। उन ऋषि विश्वामित्र सिद्ध को करते हम सब नमन यहाँ, कृपा करें ब्रह्मर्षि आपका हो सुख कर आगमन यहाँ, कृपा करें ब्रह्मर्षि आपका हो सुख कर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यम्। ज्वलदग्नि समप्रभ अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थितः। ॐ विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि आवाहनम्।
देवदानों को समान रूप से करुणा की दृष्टि से देखकर उन्हें उपयुक्त मार्गदर्शन देकर सबका हार्दिक सम्मान प्राप्त करने वाले महर्षि कश्यप का हम भाव भरा आवाहन करते हैं। वे करुणा कर विभिन्न प्रवृत्ति वालों को यज्ञ प्रक्रिया में दीक्षित करें। लौकिक मंत्र गेय स्वर विलंबित गति। कश्यप ऋषि सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया। हे प्रार्थना हमारी हम पर भी कुछ कृपा करें ऋषिवर, हम सबकी पूजार चार स्वीकारे आप स्वयं मां कर, हम सबकी पूजार चार स्वीकारे आप स्वयं मां कर। कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकर असि त्वां प्रार्थयामीश पूजेयं प्रतिगृह्यताम्। ॐ कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। जमदग्नि ऋषि आवाहनम्। शौर्य की प्रतिमूर्ति अपनी तपा शक्ति से विश्व को आलोकित करने वाले, सुख दुख में समान भाव से कर्तव्यरत रहने वाले महर्षि जमदग्नि को हम वंदना करते हैं। वह हमें यज्ञ पराक्रम दें, सुख दुख से ऊपर उठकर लोक मंगल में प्रवृत्त होने की सामर्थ्य प्रदान करें। लौकिक मंत्र गेय स्वर विलंबित गति। ऋषिवर जमदग्नि जिन्हें बिल्कुल समान हर सुख दुख था और कठोर तप के सुतेज से जो जाज्वल्यमान मुख था, तपो मूर्ति उन ऋषि का होता आज यहाँ आवाहन है। महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है, महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्निर्महातेजा तपसा ज्वलति हतम् आवाहयामि यज्ञेऽस्मिन् पूजेयं प्रतिगृह्यताम्। ॐ जमदग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। महर्षि वशिष्ठ आवाहनम्। करुणा से भरे हृदय वाले सबके परम हितैषी कर्म कुशलता से राजतंत्र एवं धर्मतंत्र में हितकारी समन्वय करने में समर्थ, युग को अपने संकल्प के अनुरूप ढालने में सामर्थ, हे महर्षि वशिष्ठ आप आवाहन हैं। आप हमें अध्यात्म विज्ञान तथा शासन तंत्र की शक्तियों को लोक मंगल के लिए नियोजित करने की कुशलता प्रदान करें। लौकिक मंत्र गेयेश्वर विलंबित गति। सबके परम हिते से ऋषिवर आप धर्म प्रतिरूप रहे, कार्य कुशल इतने कि कर्म से हर युग के अनुरूप रहे। जनहित से जन की करुणा से भरा सदा जिनका मन है, उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ पूज्यवर का सादर आवाहन है, उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ पूज्यवर का सादर आवाहन है। ॐ नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्मकर्त्रे महामुने
धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारिणे ॐ वसिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि अत्रि मुनि आवाहनम् ब्रह्मनिष्ठ व्रतधारी तेजस्वी जीवन जीने वाले तपहपूत महर्षि अत्रि को यज्ञ स्थल पर आमंत्रित किया जा रहा है। वे सुविधा के नाम पर व्यसनों में प्रवृत्त जनमानस को पुनः श्रेष्ठ लक्ष्यों के लिए तप साधना करने तथा व्रतशील जीवन जीने की प्रेरणा दें, सामर्थ्य दें। लौकिक मंत्र गेय स्वर विलंबित गति। ऋषि ब्राह्मण श्रेष्ठ विश्व में जन जन के हितकारी है। तपहपूत है सत्य रूप है तेजस्वी व्रतधारी है। हे महान ऋषि अत्रि आपको नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी ऋषिवर कुछ यज्ञ भार हम सबका है। आज आप पर भी ऋषिवर कुछ यज्ञ भार हम सबका है। ॐ अत्रये तु नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मिततेजसे। ॐ अत्रये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ऋषि माता अरुन्धती आवाहनम्। सप्तऋषि मंडल में मातृशक्ति का नारी की गरिमा का प्रतिनिधित्व करने वाली माता अरुंधति का भाव भरा आवाहन है। आप हम भटकते हुए बालकों के शुष्क हृदय में फिर से दिव्य भावना का संचार करें। नारी शक्ति को पुनः समाज के भावनात्मक नवनिर्माण हेतु नेतृत्व कर सकने में समर्थ बनाने के लिए इस महायज्ञ में अपनी चेतना का संचार करें। लौकिक मंत्र गेय स्वर विलंबित गति। सुख सौभाग्य प्रदात्री माता बालक शीश झुकाते हैं। इस पुनीत वेला में हे ऋषि माता तुम्हें बुलाते हैं। हम अबोध बालक हैं माता, हे बोध बालक है माता। कर लो पूजा ग्रहण अभी, यहाँ यज्ञ मंडल में होए ममता का अवतरण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में होए ममता का अवतरण अभी। ॐ अरुन्धत्यै नमस्तुभ्यम् सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूजां गृहाण मे। ॐ अरुन्धत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। सर्वतो भद्रवेदिका पूजनम्। सर्वतो भद्र मंडल में 33 कोटि देवताओं का निवास माना जाता है। उनका सबका क्रमशः आवाहन पूजन करने के लिए नियुक्त यजमान हाथ में पुष्प अक्षत लेकर मंत्रोच्चारण के बाद निर्धारित वर्ग में क्रमशः अर्पित करते चलें। सर्वप्रथम देव मंडल में पूज्य विघ्न विनाशक गणपति का आवाहन है।
वह विवेक के देवता हैं। हम सबको विवेक की प्राप्ति हो इस उद्देश्य से प्रथम पीले वर्ग में मंत्रोपरांत पुष्पाक्षत समर्पित करते हुए उनका आवाहन करें। यज्ञशाला में बैठे सभी याजक यज्ञ कुंड के नीचे की मेखला पर अक्षत पुष्प चढ़ाते चलेंगे। वैदिक मंत्र पंचम स्वर मध्यम गति। आइए भावभरी वंदना भगवान गणपति की। विघ्न विनाशक हे सुर पूजित हे घट घटवासी, विघ्न विनाशक हे सुर पूजित हे घट घटवासी, देवों के भी देव गजानन गणपति कैलासी, देवों के भी देव गजानन गणपति कैलासी, विश्वमूर्ति विद्या सागर विद्या विस्तार करो, विश्वमूर्ति विद्या सागर विद्या विस्तार करो, महायज्ञ में आओ आहुतियां स्वीकार करो, जन कल्याण करो, महायज्ञ में आओ आहुतियां स्वीकार करो, जन कल्याण करो। प्रियपति वंहवामहे, निधीनां त्वा निधिपति वंहवामहे, वशो मम अहम जानि गर्भधमात्मजासि गर्भधम्माम्। ॐ गणपतये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। मा गौरी आवाहनम्। तपस्या की प्रतिमूर्ति माता गौरी का सरतो भद्र मंडल में आवाहन है। वे हम सबको तपस्या पूर्ण जीवन जीने के लिए शक्ति प्रदान करें। वैदिक मंत्र षडस्वर विलंबित गति। चार भुजाओं तीन दृगों वाली देवी दाता, चार भुजाओं तीन दृगों वाली देवी माता, वस्त्राभूषण धारण कर आवे गौरी माता, वस्त्राभूषण धारण कर आवे गौरी माता, देश धर्म मानव जीवन का माँ उद्धार करो, देश धर्म मानव जीवन का माँ उद्धार करो, महायज्ञ में आओ आहुतियां स्वीकार करो, जन कल्याण करो, महायज्ञ में आओ आहुतियां स्वीकार करो, जन कल्याण करो। क्रमी दशदन मातरं पुरः पितरं च प्रयं स्वः। ॐ गौर्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ब्रह्मा आवाहनम्। निर्माण के अधिष्ठाता देवता ब्रह्मा जी का सरतो भद्र मंडल में आवाहन किया जा रहा है। हाथ के पुष्पाक्षत मंत्रोपरांत लाल वर्ग में समर्पित करें। वैदिक मंत्र पंचम स्वर मध्यम गति। ओम ब्रह्म ज्ञानम प्रथमं पुरस्तात् विषीमतः सुरुचो वेन आवह सबुद्न्या उपमा अस्य वेष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः। ॐ ब्रह्मणे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि।
रुद्र आवाहनम। आसुरी प्रवृत्तियों के दमन एवं संतुलन के लिए महाकाल रुद्र का सर्वतोभद्र मंडल में आवाहन है। मंत्रोपरांत लाल वर्ग में हाथ के अक्षत पुष्प चढ़ाएंगे। आइए रुद्र भगवान की भाव भरी हम स्तुति करते हैं। दोनों हाथ उठा के पहले शंकर भगवान की जय बोले। बोलो शंकर भगवान की जय। देवाधिदेव महादेव की जय। एकादश रुद्र लोकपति है कपालधारी, एकादश रुद्र लोकपति है कपालधारी। ले त्रिशूल खटवांग पधारो भोले भंडारी, ले त्रिशूल खटवांग पधारो भोले भंडारी। सफल करो यह यज्ञ दुष्टता का संहार करो, सफल करो यह यज्ञ दुष्टता का संहार करो। महायज्ञ में आओ आहुतियां स्वीकार करो, जन कल्याण करो। महायज्ञ में आओ आहुतियां स्वीकार करो, जन कल्याण करो। वैदिक मंत्र षडज स्वर विलंबित गति। ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोतैषवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः। ॐ रुद्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ध्यान देंगे। अब यहां से नवग्रहों का आवाहन सर्वतोभद्र मंडल में किया जा रहा है। आप सभी भाई बहनों के जीवन के नवग्रहों में से किसी ग्रह का किसी भी प्रकार का कोई दोष हो उसके निवारण के लिए यहाँ से उनका आवाहन पूजन किया जा रहा है। उसके पूर्व उनकी वंदना की जाएगी। पहले अध्यर्यों की टिप्पणी सुनेंगे। सूर्य आवाहनम। सबको प्रेरित करने वाले सूर्य देवता का देव मंडल में आवाहन है। वे सभी को श्रेष्ठ दिशा में प्रेरित करें। आइए भाव भरे गीत के माध्यम से हम उन नवग्रहों का भाव भरा पूजन करते हैं। अनुग्रह मिले सबको नवग्रह तुम्हारा, अनुग्रह मिले सबको नवग्रह तुम्हारा। संतुलित है तुमसे चरा चर जग सारा, संतुलित है तुमसे चरा चर जग सारा, चरा चर जग सारा। अनुग्रह मिले सबको नवग्रह तुम्हारा, अनुग्रह मिले। अधिपति शिव शंकर, ऊर्जा के स्रोत सूर्य अधिपति शिव शंकर। हे गिरिजा प्रिय शीतल चंद्रमा सुधाकर, गिरिजा प्रिय शीतल चंद्रमा सुधाकर। मंगल संग लहरे जन मंगल की धारा, thank you.
के विष्णु गुरु है, ब्रह्मा है स्वामी। बुद्ध के विष्णु गुरु के ब्रह्मा है स्वामी। यम सुरेंद्र शासित शनि शुक्र को नमामि। यम सुरेंद्र शासित शनि शुक्र को नमामि। बने संग राहु के तू विश्व का सहारा। बने संग राहु के तू विश्व का सहारा। विश्व का सहारा अनुग्रह मिले सबको नवग्रह तुम्हारा। अनुग्रह मिले सबको नवग्रह तुम्हारा। संतुलित है तुमसे चराचर जग सारा। संतुलित है तुमसे चराचर जग सारा। चराचर जग सारा अनुग्रह मिले सबको नवग्रह। वैदिक मंत्र पंचम स्वर मध्यम गति। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ॐ सूर्याय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। मा गंगा आवाहनम्। पवित्रता की अधिष्ठात्री देवी माँ गंगा का देव मंडल में आवाहन है। वे हमारे अंतःकरण और जीवन को पवित्रता से भर दें। आइए माँ गंगा का रेवा के रूप में, माँ नर्मदा के रूप में आवाहन किया जा रहा है, क्योंकि जो नदी दिव्य नदी है, कहते हैं गंगा में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है मात्र माँ नर्मदा का दर्शन से ही प्राप्त होता है। ऐसी मातेश्वरी की माई रेवा के भाव से भजन के माध्यम से आवाहन करते हैं। सभी भाई बहन ताली बजाते हुए भाव भरी वंदना करें। पहले जरा जय घोष कर लिए माँ नर्मदा हार को। आज नर्मदे कमान दिया। हाँ बोलो नर्मदा मैया की। बोलो हार नर्मदे। नर्मदे हार। बोलो गंगा मैया की। ताली पानी ने जरा गाजो है। रेवा थर पानी निर्मल खड़ खड़ वव तो जाय रे। रेवा थर पानी निर्मल खड़ खड़ वव तो जाय रे। ओ नर्मदा मैया की। जरा हाथ उठा करी ने ताली पाड़ो। नर्मदा मैया यहाँ आई रही ये गाँव मा। रेवा थर पानी निर्मल खड़ खड़ वव तो जाय रे। रेवा थर पानी निर्मल खड़ खड़ वव तो जाय रे। अमर कंठ से निकल रेवा जन जन करी रहा थारी सेवा। अमर कंठ से निकल रेवा जन जन करी रहा थारी सेवा। हरा किनारा का जितरा हरा किनारा का जितरा शंकर मान जाए दुनिया का शंकर। हरा किनारा का जितरा शंकर मान सारी दुनिया शंकर। जन जन कर हर नर्मदा जन जन कर गया हर नर्मदा। हरा किनारा आए रे रेवा थर पानी निर्मल खड़ खड़ वह तो जाय रे। रेवा थर पानी निर्मल खड़ खड़ वह तो जाय रे।
सेवा सर्वानी निर्भर सकल जो जाय रे सेवा सर्वानी निर्भर सकल भव तो जाय रे खड़खड़ भव तो जाय रे खड़खड़ भव तो जाय रे खड़खड़ भव तो जाय बोलो नर्मदा मैया की बोलो गंगा मैया की माई रेवा न केवल खड़खड़ बहती जा रही है बल्कि अब तो निमाड़ के खेत खेत में पहुंच गई हैं और चारों तरफ हरियाली बरसा रही हैं चारों तरफ गेहूं और चने आदि सब उगा करके मातेश्वरी का आशीर्वाद हमारे किसान भाई बहनों को प्राप्त हो रहा है। इस विधि में कुछ खेत अभी भी बचे हुए हैं वहां तक माँ रेवा पहुँचे सभी गरीब किसान भाई बहनों के खेतों में हरियाली लाए ऐसी भावना के साथ सभी भाई बहन हाथ जोड़कर मातेश्वरी रेवा का गंगा के रूप में आवाहन करते हैं। वैदिक मंत्र गांधार स्वर विलंबित गति ओम पंच नद्यः सरस्वतीं अपियन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचधा सोदेशे भवत्सरितः ओम गंगायै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कितनो बड़ो सौभाग्य हमारो छे कि हमारा गांव गांव में खेत खेत भीलट बाबाना का मंदिर बनावा जाम और न केवल नाग पंचमी पर बल्कि आमोस पुण्यों पर भी हम उनकी पूजा कराए। यह हमारी धर्म ने संस्कृति की उदारता को प्रतीक आए और यहाँ हमारे आदरणीय मेवालाल भाई साहब बता ही रहे हैं कि हमारा मंच का पीछे भी एक भीलट बाबा को मंदिर छे। वास्तव में भीलट बाबो हम सब का जीवन का दुख दूर करज हमारा कष्ट दूर करज हमारी परेशानी न दूर करज हम सब उनका आवाहन करांगा और प्रार्थना करांगा भगवान तुम्हारा अंदर धीरज को बड़ो अच्छो लंबो गुण छे। धीरज का ही करज अर्थात भगवान कभी भूख भी लगाज तो भीलट बाबो भूख में भी बड़ा धैर्य धारण करी भूख को सहन करी ले। बोलो भीलट बाबा की बोलो नंगलवाड़ी के भीलट देव की। भगवान शंकर का आभूषण काय का छे अपन तो मोहन माला का की माला न कोई सोना न गया सराफा बाजार में भीड़ लगे रहे ऐसी माला ने पेराज महंगी महंगी पर भगवान भोलेनाथ साप न की माला पेर दागिना ओना भीलट बाबा का अपन याद करा अने विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर विश्राम करे तो भीलट बाबो पूज्य छे अपनों का आज यहाँ 108 कुंडी यज्ञ में प्रार्थना करी न बुलाई राज सदा दीर्घ जीवी रहते हो धैर्य रूप हो तुम निराहार रह पवन पान करते अनूप हो तुम धैर्य सिखा कर हमें हमारा जन्म सुधार करो धैर्य सिखा कर हमें हमारा जन्म सुधार करो महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो जन कल्याण करो महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो जन कल्याण करो। वैदिक मंत्र ऋषभ स्वर विलंबित गति ओ नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वी मनो ये अंतरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ओम सर्पेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। षोडशोपचार पूजनम षोडशोपचार पूजन में भाव यह है कि नाम एवं रूप से भिन्न दिखने वाली सभी देव शक्तियाँ वस्तुतः उसी विराट पुरुष की विविध धाराएं हैं उन्हें अर्पित पूजन सामग्री प्रकार अंतर से उसी विराट पुरुष आदि चेतना को समर्पित है। सभी देव शक्तियों का आवाहन पूजन किया जा रहा है अब श्रद्धा पूर्वक पूजन स्वीकार करने की भाव भरी प्रार्थना करें। जो वस्तुएं बताई जाएं वो सब भगवान की ही बनाई हुई हैं बड़ी श्रद्धा भावना से भगवान को
हम षोडशोपचार पूजन कर रहे हैं, ये भाव बनाए हुए प्रत्येक यज्ञ कुंड से एक एक जो दंपत्ति याजक बैठे हैं वो पूजन करेंगे, बाकी लोग हाथ जोड़े रखेंगे। भाव का भूखा प्रभु तो भाव ही एक सार है, भाव से पूजो अगर तो भव से बेड़ा पार है। न तो कभी अभाव में जियो, न कभी किसी के प्रभाव में जियो, न कभी किसी के दबाव में जियो, ये जिंदगी तो अपने खुद की है प्यारे, अपने स्वभाव में जियो। आदमी अपने स्वभाव में नहीं जीता है, लोग क्या कहेंगे, अरे मैंने ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे तो वो समाज क्या कहेगा, शादी में जाएंगे और ये नहीं पहना तो लोग क्या कहेंगे, अरे लोग तो कहेंगे और कहते रहेंगे, लेकिन हम अपने स्वभाव से जिएंगे, ये है भक्ति का स्वरूप। मीरा को भी बहुत लोगों ने कहा, नानक को भी बहुत लोगों ने कहा, लेकिन उन्होंने अपने स्वभाव में जिंदगी को जिया, यही भाव इस गीत के अंदर है। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भावन हो सच्चा जो ही में, भावन हो सच्चा जो ही में, तो सब व्यर्थ समान, तो सब व्यर्थ समान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, दे भक्ति का ज्ञान, दे भक्ति का ज्ञान, साग विदुर घर प्रेम से खाए, साग विदुर घर प्रेम से खाए, छोड़ दिए पकवान, छोड़ दिए पकवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भावन हो सच्चा जो ही में, भावन हो सच्चा जो ही में, तो सब व्यर्थ समान, तो सब व्यर्थ समान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भूखे हैं भगवान, ओ भूखे हैं भगवान। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, आवाहयामि स्थापयामि। भगवान को आसन देने के भाव से पुष्प ले लें हाथ में और समर्पयामि शब्द के साथ अर्पित करेंगे।
आसनम समर्पयामि। भगवान के चरण धुलाने के भाव से एक चम्मच जल अर्पित करेंगे। पाद्यम समर्पयामि। अगले क्रम में भगवान की मुख शुद्ध्यर्थ अर्घ प्रदान करेंगे। अर्घ्यम समर्पयामि। अब आचमन के रूप में एक चम्मच जल अर्पित करेंगे। आचमनम समर्पयामि। देव शक्तियों के स्नानार्थ तीर्थ जल अर्पित करेंगे। स्नानम समर्पयामि। सांस्कृतिक प्रतीक रूप में वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्रम समर्पयामि। द्विजत्व के प्रतीक रूप में यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। अगले क्रम में सुगंधी रूप में चंदन अर्पित करेंगे। गंधम तिलेपयामि। अटूट निष्ठा के रूप में अक्षत चोखा अर्पित करेंगे। अक्षतान समर्पयामि। अगले क्रम में उल्लास के प्रतीक रूप में पुष्प माल्यार्पण अर्पित करेंगे। पुष्पाणि समर्पयामि। सत्कर्मों की सुवास के रूप में अगरबत्ती धूप दीप जलाएंगे। धूपम आग्रापयामि। मंच की ओर संकेत कर दें धूप के रूप में। दीपम दर्शयामि। अगले क्रम में आप मिष्ठान लेंगे। नैवेद्य के रूप में फल होगा, मीठा होगा, कुछ भी अर्पित करें। नैवेद्यम निवेदयामि। भगवान के मुख शुद्ध्यर्थ पान सुपारी अर्पित करेंगे। ताम्बूल भोगी फलानि समर्पयामि। ऐसे विराट सत्कर्मों में पुण्य के भागीदार बनने हेतु अपनी कमाई का एक अंश रुपया पैसा अपनी जेब से निकालकर परमात्मा को अर्पित करें। दक्षिणाम समर्पयामि। कहीं कोई किसी भी प्रकार का अभाव रह गया हो तो अक्षत अर्पित करें। सर्वाभावे अक्षतान समर्पयामि। देने के बाद हमारे मन में अहंकार न हो, इस विनम्रता के भाव से हाथ जोड़कर परमात्मा को प्रणाम करें। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। रक्षाविधानम्। सत्शक्तियों, सत्प्रवृत्तियों तथा सज्जनों का सहयोग जुटाने की तरह विघ्नकारी शक्तियों, वृत्तियों तथा व्यक्तियों से यज्ञ कर्म की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। रक्षा विधान में देव शक्तियों से प्रार्थना की जाती है कि वे सब ओर से सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखें। विघ्नकारी तत्वों को निर्देश दिया जाता है कि वे महादेव शिव का अनुशासन मानकर सबके लिए हितकारी इस कार्य में अवरोध पैदा न करें। सभी पूजन वेदिकाओं के निकट निर्धारित स्वयंसेवक पीले अक्षत लेकर खड़े हों। मंत्रोच्चार के साथ निर्धारित दिशाओं में उन्हें प्रक्षेपित करें। सभी साधक ध्यान करते हुए यज्ञ क्षेत्र के विघ्न मुक्त होने की भावना करें। लौकिक मंत्र धैवत मध्यम स्वर विलंबित गति। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयं गरुडध्वजः दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यं मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपति रक्षे ऐशान्यां हि महेश्वरः ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो यदोऽनन्तश्च रक्षतु अनुक्तमपि यत्स्थानं रक्षत्रीशो मम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि सन्ति
ये भूता विघ्न कर्तारः ते गच्छन्तु शिवाग्रया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो विषम् सर्वेषाम विरोधेन यज्ञकर्म समारभे अग्निस्थापनम्। निरुक्त का कथन है अग्रणी भवति इति अग्निः, अर्थात अग्रणी होने के कारण इसे अग्नि कहा गया है। बाह्य प्रकृति में सृजन यौम विखंडन तथा शरीर में चयापचय की प्रक्रिया के संचालन के लिए अग्नि को ही प्रतिष्ठित करना पड़ता है। यज्ञ प्रक्रिया में वही अग्रणी हैं, इसलिए मंत्रों के साथ उन्हें देव यजन के लिए उपयुक्त भूमि वेदिका पर प्रतिष्ठित किया जाता है। मंत्र पाठ के साथ अग्नि स्थापन की प्रक्रिया संपन्न करें। सभी लोग भावना करें, हे अग्निदेव, आप हमें श्रेष्ठ मार्ग से लौकिक एवं पारलौकिक ऐश्वर्यों की ओर ले चलें। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर मध्यम गति। ॐ भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूम्ना इत्यदिव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवीदेवयजनि पृष्ठे मन्नाद्याया दधे अग्न्यवामुपब्रुवे देवाम् आशादयादिह। ॐ अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गायत्री स्तवनम्। गायत्री प्राण विद्या है, पृथ्वी पर प्राणों का संचार सूर्य रूप सविता देव के द्वारा होता है। इस स्तवन में सविता देव से ऐसी पवित्रता एवं प्रखरता की याचना की गई है जिसके आधार पर हम इस देव कार्य को गरिमामय ढंग से आगे बढ़ा सकें। संस्कृत के गेय छंदों के अनुरूप हिंदी के गेय पदों के भाव मन में धारण करें कि गायन की तरंगों के साथ पवित्रता का संचार हमारे अंदर हो रहा है। संस्कृत और हिंदी के अंतिम पद पुनः तुमाम तत् सवितुर्वरेण्यम एवं पावन बना दो हे देव सविता कीर्तन की तरह साथ साथ गाएं। लौकिक मंत्र गेय स्वर विलंबित गति। प्रभं ते भ्रमनादिरूपं तारे जदोखक्षयकारणं च पुनः तुमां तत्सवितुर्वरेण्यम्। हमारा पावन बना दो हे देव।
इस मंत्र में अग्निदेव से प्रार्थना की गई है कि हम आप यज्ञ कार्य को पूरा करने के लिए बढ़ें, तेजस्वी बने। पेट की अग्नि, जठराग्नि जागृत ना हो तो भोजन ठीक से पच नहीं पाता। इसी प्रकार आहुति को पचाने के लिए अग्नि को प्रदीप्त किया जाता है। यज्ञ कुंड में अग्नि ठीक से प्रदीप्त न हो पाई हो तो प्रदीपन मंत्र के साथ साथ पंखे से हवा देकर अग्नि को प्रज्वलित करें। ठीक से प्रज्वलित अग्नि है तो हाथ जोड़कर यज्ञीय प्रयोजन पूर्ण करने की प्रार्थना करें। वैदिक मंत्र पंचम स्वर विलंबित गति। स्वाग्ने प्रतिजाग्रहे त्वमेष्टा पूर्ते सर्वं सृजेतामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। समिधा धानम्। अग्निदेव आहुतियों को देव शक्तियों तक भली प्रकार पहुंचाते रहें, इसके लिए उन्हें समिधाएं प्रदान करके प्रज्वलित रखा जाता है। समिधाधानम में एक एक करके चार समिधाएं समर्पित की जाती हैं, जो चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष, चार आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ एवं संन्यास, चार स्तंभ साधना स्वाध्याय संयम सेवा तथा चार बल शरीर बल मनोबल आत्मबल और ब्रह्मबल की प्राप्ति एवं जीवन की सार्थकता हेतु शक्ति प्राप्त करने के लिए है। जो याजक घृत की आहुति के स्थान पर बैठे हैं वे चारों समिधाओं में से एक एक को उठाएं, उनके दोनों सिरे घी में डुबोएं और मंत्र पूरा होने पर स्वाहा शब्द के साथ यज्ञ कुंड में समर्पित करते चलें। वैदिक मंत्र षडज स्वर विलंबित गति। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जात वेदस्ते निध्यस्ववर्धस्व चिर्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन
अन्नादेन समेदय स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदम् न मम। दूसरी संविधा लें। ओम समिदाग्निम दुवस्यत ऋतैर्बोधयता तिथिम आस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा इदम् अग्नये इदम् न मम। तीसरी संविधा लें। ओम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदम् न मम। अंतिम संविधा लें। ओम तन्त्वा समिद्धिरंगिरो घृतेन वर्धयामसे बृहच्छोचाय विश्च स्वाहा इदम् अग्नये अंगिरसे इदम् न मम। जल प्रसेचनम्। इस प्रक्रिया में यज्ञ वेदिका के चारों ओर मंत्रों के साथ जल सिंचन किया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि पानी के कारण रेंगने वाले जीव अग्नि के क्षेत्र में पहुंचकर नष्ट होने से बचें। सूक्ष्म प्रयोजन की सिद्धि के लिए जल प्रसेचन के साथ भावना करें कि अभिमंत्रित जल के प्रभाव से यज्ञ ऊर्जा को मर्यादित किया जा रहा है। यह ऊर्जा इष्ट प्रयोजनों में ही लगे, बिखर कर न तो व्यर्थ नष्ट हो और न इससे किसी को कष्ट हो। प्रोक्षणी पात्र में जल भर लें, मंत्रों के साथ जिस जिस दिशा में कहा जाए उधर जल प्रसेचित करें। वैदिक मंत्र पंचम स्वर मध्यम गति। ओम अदितेनु मन्यस्व इति पूर्वे। पूर्व दिशा में। ओम अनुमतेनु मन्यस्व इति पश्चिमे। पश्चिम दिशा में। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व इति उत्तरे। उत्तर दिशा में। अब चारों दिशाओं में घेरा लगाएंगे जल कुंड के आसपास। ओम देव सविता प्रसुवयज्ञम प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः सदतु इति चतुर्दिक्षु आज्याहुति होमः। ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं न मम। ॐ इन्द्राय स्वाहा इदं इन्द्राय इदं न मम। ॐ अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं न मम। ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं न मम। ॐ भूः स्वाहा इदं अग्नये इदं न मम। ॐ भुवः स्वाहा इदं वायवे इदं न मम। ॐ स्वः स्वाहा इदं सूर्याय इदं न मम। गायत्री मंत्राहुति। अब गायत्री मंत्र से आहुतियां प्रदान की जाएंगी। यह मंत्र यजुर्वेद 36:3 का है। इसके ऋषि विश्वामित्र देवता सविता और छंद निश्चित गायत्री है। अनामिका मध्यमा तथा अंगूठे के सहारे हवन सामग्री उठाएं। हर बार गायत्री मंत्र साथ साथ बोलते हुए भावना करें कि इस महामंत्र के प्रभाव से जागृत सद्बुद्धि को हम यज्ञ प्रयोजन में सत्कर्म के रूप में प्रभु चरणों में समर्पित कर रहे हैं। स्वाहा के साथ हाथ उल्टा किए बिना ही यज्ञ कुंड में आहुति समर्पित करें। साथ ही इदम नमम बोलते हुए भावना करें, होमा गया पदार्थ मेरा नहीं है, प्रभु का है, उन्हीं का उन्हीं को समर्पित है। इस भाव से आहुतियाँ समर्पित करें। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर
मध्यम गति। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। अनिष्ट निवारणार्थम् अभीष्ट संवर्धनार्थम् आहुतिः। विश्वव्यापी संकट के निवारण के लिए, मानव मात्र प्राणी मात्र के कल्याण एवं उज्ज्वल भविष्य की प्राप्ति के लिए रुद्र गायत्री मंत्र से आहुतियां समर्पित करें। ॐ पञ्चवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ॐ पञ्चवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ॐ पञ्चवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। महामृत्युञ्जय मन्त्राहुतिः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः। पर्यावरण संशोधनार्थम आहुति। प्रकृति हमारी माता है, उसी के अनुदानों से हमारा जीवन सुरक्षित रहता है। प्रकृति में पृथ्वी से लेकर नक्षत्र मंडल तक सम्याप्त स्थूल सूक्ष्म प्रवाह हम सब के लिए अनुकूल बने, इस हेतु ये आहुतियाँ समर्पित हैं। साधक गण कृपया ध्यान दें, प्रथम स्वाहा पर आहुति न छोड़ें, दोबारा स्वयं स्वाहा बोलते हुए आहुति समर्पित करें। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर विलंबित गति। ॐ पृथिव्यै स्वाहा स्वाहा। ॐ अन्तरिक्षाय स्वाहा स्वाहा। ॐ सूर्याय स्वाहा स्वाहा। ॐ चन्द्राय स्वाहा स्वाहा। ॐ नक्षत्राय
गायत्रेभ्यः स्वाहा। इदं पर्यावरण संशोधनाय इदं नमः। दोनों हाथ उठाएं, देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ का ध्यान करें। कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती विराजमान है। हमारी भावनाएं, हमारी आहुतियाँ ये उन्हीं को समर्पित है, जो आदि देव है, आदि गुरु है, भगवान शंकर। बोलो युगाधिपति महाकाल की जय। देवाधिदेव महादेव की जय। अब ताली बजाते हुए संकीर्तन करेंगे। जय महाकाल, 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 जय महाकाल। जो पाप ताप का हरता है, जो पाप ताप का हरता है, पाप ताप का हरता है, जो युग परिवर्तन करता है, युग परिवर्तन करता है, जो युग परिवर्तन करता है, युग परिवर्तन करता है, आदि शक्ति को साथ लिए, 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 जो बदल रहा है सृष्टि चाल, बदल रहा है सृष्टि चाल, जो बदल रहा है सृष्टि चाल, बदल रहा है सृष्टि चाल। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, महाकाल, जय 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 महाकाल, महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। जिसने सोतों को जगा दिया, सोतों को जगा दिया, जागों को जिसने चला दिया, जागों को जिसने चला दिया, स्वर्ण जयंती में बुला लिया, स्वर्ण जयंती में बुला लिया, ये गांव गांव में बुला लिया, गांव गांव में बुला लिया, चलतों को जिसने दौड़ाया, चलतों को जिसने दौड़ाया, चलतों को जिसने दौड़ाया, चलतों को जिसने दौड़ाया, निष्ठा को दे प्रेरक उछाल, निष्ठा को दे प्रेरक उछाल, निष्ठा को दे प्रेरक उछाल, निष्ठा को दे प्रेरक उछाल। आप दोनों हाथ उठा करके ताली बजाइए। जय हो भोलेनाथ की जय हो। जय महाकाल, 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 जय देव देव, जय महादेव, जय देव देव, जय महादेव, जय देव देव, जय महादेव, जय देव देव, महाकाल, जय 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 महाकाल, महाकाल की देवाधिदेव महादेव की। अब यहां से मौन तांत्रिक आहुति अर्पित की जाएगी। ओ स्वाहा।
स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी। हमारे यूट्यूब चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।